महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, इसलिए वो अक्सर समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करते थे। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। लेकिन गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने 18 अक्टूबर 1920 को ही की थी और महात्मा गांधी गुजरात विद्यापीठ के आजीवन चांसलर रहे। उनके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोरारजी देसाई भी इसके चांसलर रहे। लेकिन विडंबना देखिए कि स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर महात्मा गांधी के विचारों को उनकी बनाई गई संस्था के ट्रस्टियों ने ही नहीं अपनाया। ये बात हम इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं, ये आप गुजरात विद्यापीठ की कुछ तस्वीरें देखकर समझ जाएंगे। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं उसमें आपको दिखेगा तंबाकू के पाउच, हॉस्टल और बाथरूम की टूटी हुई पाइपें और गंदी दीवारें, टूटी हुई छत पर टंगे गंदे पंखे और हर जगह गंदगी। जिस गुजरात विद्यापीठ को महात्मा गांधी ने शुरू किया था उसमें गंदगी की ये तस्वीरें देखकर गांधी जी का मन बेहद दुखी होता। गांधी जी का आदर्श वाक्य था कि हमारे शौचालय इतने साफ होने चाहिए कि वहां बैठकर शाम की प्रार्थना करने का मन करे। लेकिन गुजरात विद्यापीठ की यह हालत देखकर लगता है कि यहां प्रार्थना करना तो दूर, बैठने तक का मन ना करे। गुजरात विद्यापीठ का चांसलर बनने के बाद जब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को पता चला कि स्वच्छता को लेकर हमेशा सजग रहने वाले महात्मा गांधी की बनाई संस्था में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। राज्यपाल ने अहमदाबाद नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ विद्यापीठ का दौरा किया और परिसर की सफाई की। हर तरफ गंदगी को देखकर राज्यपाल देवव्रत खुद को रोक नहीं पाए और खुद फावड़ा उठाकर परिसर की सफाई करने लगे। तो देखिए, महात्मा गांधी जहां के आजीवन चांसलर रहे, जिन्होंने स्वच्छता के हमेशा की बातें की, वहां की स्थिति क्या हो गई थी और इसको लेकर स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर जिन महात्मा गांधी को बताया जाता है उनके जगह की स्थिति इतनी गंदी थी कि खुद से बीड़ा उठाना पड़ा और अहमदाबाद नगर पालिका ने 2 दिन चले स्वच्छता अभियान में विद्यापीठ के परिसर से करीब 20 ट्रक से भी ज्यादा कचरा निकाला है, जिसके बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वहां फूलों के पौधे लगाए और परिसर को सुंदर बनाने के साथ साथ जर्जर बिल्डिंगों को भी ठीक करने के निर्देश दिए। अहमदाबाद में आई हुई गुजरात विद्यापीठ, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, फिलहाल गुजरात विद्यापीठ के कुलपति के तौर पर आचार्य देवव्रत जी अभी फिलहाल कारोबार संभाल रहे हैं। आप दृश्य में भी देख सकते हैं, गुजरात विद्यापीठ में उनके आने के बाद से स्वच्छता, जो कि गुजरात विद्यापीठ में नहीं देखी जाती थी, वो स्वच्छता दिखनी शुरू हुई है। पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, यहाँ के विद्यार्थियों के साथ मिलकर, गुजरात के राज्यपाल एवं गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर आचार्य देवव्रत ने एक नई पहल शुरू की है। जो भी आसपास में साफ सफाई नहीं दिखती थी विद्यापीठ के अंदर, उस तमाम जगह पे जाके फिलहाल साफ सफाई की जा रही है। आप दृश्य में भी देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर जो कचरा आसपास में दिखता था वो फिलहाल दूर किया जा रहा है। 20 से 25 ट्रक से ज़्यादा कचरा अभी तक दूर किया गया है और ये सफाई अभियान है पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा है। अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में भी कई जगहों पे जो विद्यार्थी थे उन्होंने पिचकारी दीवालों पे मारी हुई थी, वो पिचकारी भी साफ की गई है। बड़ा सा एक मैदान भी गुजरात विद्यापीठ के कैंपस के अंदर आया हुआ है, वहाँ भी गंदगी देखी जा रही थी, फिलहाल उसको भी साफ करने का जो अभियान है वो शुरू किया गया है। पिछले कुछ दिनों से जब से वाइस चांसलर के तौर पे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने कामकाज संभाला है, तब से काफ़ी परिवर्तन गुजरात विद्यापीठ में नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ अतुल तिवारी, जी मीडिया, अहमदाबाद। गांधी जी ने स्वच्छता को लेकर कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है, लेकिन गांधी जी के बनाए गुजरात विद्यापीठ के ट्रस्टियों ने हमेशा अपनी राजनीतिक आज़ादी को महत्व दिया और स्वच्छता पर कितना ध्यान दिया ये तो अभी आप देख ही चुके हैं। गुजरात विद्यापीठ का अपना संविधान है जिसके तहत ट्रस्टी तय करते हैं कि विद्यापीठ का कुलाधिपति कौन होगा। सामान्य तौर पर हर राज्य में विश्वविद्यालय के चांसलर उस राज्य के राज्यपाल होते हैं, लेकिन गुजरात विद्यापीठ दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां के चांसलर राज्यपाल नहीं होते थे।
लेकिन इस बार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गुजरात विद्यापीठ के 12वें चांसलर के रूप में कार्यभार संभालने का निमंत्रण दिया गया तो विद्यापीठ के कुल 22 ट्रस्टियों में फूट पड़ गई और 9 ट्रस्टियों ने इस्तीफा तक दे दिया। ये ट्रस्टी देवव्रत की नियुक्ति का विरोध कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि पहली बार कोई गांधीवादी चांसलर की बजाय एक आरएसएस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। ये वही ट्रस्टी थे जो खुद को गांधीवादी बताते हैं लेकिन गांधी जी के विचारों से उनका कोई सरोकार नहीं है। जबकि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विद्यापीठ का चांसलर बनते ही सबसे पहले गांधी जी के स्वच्छता मिशन को अपनाया जबकि उनसे पहले किसी ने भी ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई थी। इसे लेकर गुजरात विद्यापीठ के ट्रस्टियों के बीच सिर्फ राजनीति होती रही लेकिन अब राज्यपाल देवव्रत ने गुजरात विद्यापीठ में स्वच्छता अभियान चलाकर इसके ट्रस्टियों की राजनीति पर झाड़ू चला दी है। तो जब यहाँ के छात्रावास देखे तो मेरे को इतना दुख हुआ कि कोई सीमा नहीं। छात्रों के कमरे एक गंदगी के ढेर की तरह थे, उनमें गुटखे, तंबाकू और उनकी पिचकारी दीवारों के ऊपर लाल लाल पड़ी हुई, सारी बिल्डिंग में जाले लगे हुए, आगे पीछे गंदगी के ढेर। बाथरूम में गया तो शौचालय बेहद गंदे और जो बाथरूम थे उनमें कई जगह 6-6 इंच पानी खड़ा हुआ, उनमें चप्पलें तैर रही। मैंने कहा पूज्य बापू किन आदर्शों को लेकर इन संस्थाओं को स्थापित किए और आज हम जो गांधीयन अपने आप को कहलाते हैं बड़ा ठेकेदार उनका मानते हैं। जब मैंने उनके व्यवहारिक जीवन को देखा तो मेरे को अत्यंत दुख हुआ। काश आज महात्मा गांधी इस संस्थान में आ जाते और इसकी दुर्दशा को देखते तो कितने व्यथित और दुखी होते। गांधी जी कहते थे स्वच्छता को अपनी आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। गुजरात विद्यापीठ में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करके राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधी जी के इन्हीं आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया है।